नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, आज के इस डेली करंट अफेयर सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 10 और 11 सितंबर 2018 के कुछ इंपॉर्टेंट जीके पॉइंट्स। सो गाइस, यहां पर ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। तो दोस्तों, यहां पर जो आज का पहला क्वेश्चन हमारा दिख रहा है तो वह है, हाल ही में नोवाक जोकोविच ने US ओपन के पुरुष एकल खिताब 2018 जीत लिया है, यह किस देश से संबंधित है। तो दोस्तों, यहां पर बता दूं कि अभी हाल ही में जो नोवाक जोकोविच हैं, इन्होंने पुरुष एकल US ओपन पुरुष एकल खिताब 2018 जीत लिया है, और यह जो है किस देश से संबंधित हैं। तो दोस्तों, जो नोवाक जोकोविच हैं, जिस सर्बिया से संबंधित हैं, यानी कि ये सर्बिया के प्लेयर हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही आंसर हो जाता है, और इन्होंने अभी हाल ही में US ओपन पुरुष एकल खिताब 2018 जीता है। तो यहां पर थोड़ी सी और जानकारी इनका देता चलूं कि सर्बिया के जो नोवाक जोकोविच हैं, जो कि 31 वर्षीय हैं, इन्होंने न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित US पुरुष टेनिस टूर्नामेंट 2018 हासिल करने के लिए अर्जेंटीना के जुआन मार्टिन डेल पोत्रो को 6-3, 7-6 और 6-3 से पराजित किया। दोस्तों, यहां पर बता दूं कि ये जो है खिताब, ये जोकोविच का 14वां ग्रैंड स्लैम खिताब और तीसरा US ओपन खिताब था। जापान की नाओमी ओसाका 20 वर्षीय जो की हैं, इन्होंने US ओपन 2018 का महिला एकल खिताब हासिल किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बता दूं कि इन्होंने अमेरिका की जो सेरेना विलियम्स को सीधे सेटों में 6-2, 6-4 से हराकर ग्रैंड स्लैम जीता। यह पहली बार है जब एक जापानी टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम खिताब यहाँ पर हासिल किया है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है तो वह है, हाल ही में ट्रिपल जंपर अरपिंदर सिंह IAAF कॉन्टिनेंटल कप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय बने, यह प्रतिस्पर्धा कहाँ आयोजित की गई। तो दोस्तों, यहाँ पर बता दूँ कि अभी हाल ही में ट्रिपल जंपर अरपिंदर सिंह, जो कि IAAF कॉन्टिनेंटल कप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय बन गए हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रतिस्पर्धा है ये चेक गणराज्य में आयोजित की गई, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बता दूँ कि जो ट्रिपल जंप खिलाड़ी अरपिंदर सिंह हैं, जिनकी उम्र है 25 वर्ष, इन्होंने चेक गणराज्य के ओस्त्रावा में आयोजित IAAF कॉन्टिनेंटल कप में पदक, यानी कि कांस्य पदक इन्होंने जीता है। तो ये कांस्य पदक जीतने वाले पहले यहाँ पर भारतीय बन गए हैं। कॉन्टिनेंटल कप में किसी भी भारतीय ने कोई पदक नहीं जीता था, जिसे वर्ष 2010 से पहले IAAF विश्व कप के नाम से जाना जाता था। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और एशिया प्रशांत के 4 क्षेत्रों के 2 शीर्ष एथलीट पुरुष एवं महिला वर्गों में प्रत्येक की 36 प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले रहे थे। अमेरिका के ओलंपिक और विश्व चैंपियन क्रिस्टियन टेलर ने 59 मीटर की कूद के साथ स्वर्ण पदक यहां पर हासिल किया है। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है, इंडिया ब्लू ने इंडिया रेड को हराकर दिलीप ट्रॉफी जीती, इस प्रतियोगिता का आयोजन कहां हुआ। तो दोस्तों, अभी यहां पर बता दूं कि जो इंडिया ब्लू है, इसने इंडिया रेड को हराकर दिलीप ट्रॉफी जीती है, और ये जो प्रतियोगिता है या स्पर्धा है, इसका जो आयोजन है ये तमिलनाडु में किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर बता दूं कि इंडिया ब्लू ने तमिलनाडु के डिंडीगुल में दिलीप ट्रॉफी के फाइनल में इंडिया रेड, मौजूदा जो कि चैंपियन थी, इसको एक पारी और 187 रनों से पराजित करके ट्रॉफी हासिल की। इंडिया ब्लू ने पहली पारी में 541 रन बनाए, जबकि इंडिया रेड ने पहली पारी में 181 रन और दूसरी पारी में 172 रन बनाए। हिमाचल प्रदेश के बल्लेबाज निखिल गंगटा को 130 रनों की शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार यहाँ पर दिया गया। दोस्तों, यहाँ पर बता दूं कि जो दिलीप ट्रॉफी है, ये भारत के भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों के बीच भारत में खेली जाने वाली घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है। टूर्नामेंट में 3 टीमों अर्थात इंडिया रेड, इंडिया ब्लू एवं इंडिया ग्रीन के बीच मुकाबला होता है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है तो वह है, हाल ही में किस अभिनेत्री को मेरिल स्ट्रीप अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर बता दूँ कि अभी हाल ही में मेरिल स्ट्रीप अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से जो सम्मानित किया गया है, तो वो सम्मानित किया गया है ऐश्वर्या राय को, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में अभिनेत्री स्वर्गीय श्री देवी की मूर्ति बनाकर स्थापित करने की योजना किस देश ने बनाई है। तो दोस्तों, यहाँ पर बता दूँ कि अभी हाल ही में
जो अभिनेत्री स्वर्गीय श्रीदेवी जी हैं इनकी मूर्ति बनाकर स्थापित करने की जो योजना है तो वो बनाई है स्विट्जरलैंड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर बता दूँ कि स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने स्वर्गीय श्रीदेवी हिंदी फिल्म अभिनेत्री की एक मूर्ति स्थापित करने की योजना बनाई है, जिनकी सुपरहिट फिल्म चांदनी को देश के मनोहर स्थलों पर फिल्माया गया था। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता यश चोपड़ा की मूर्ति वहां पहले से ही स्थापित है। वर्ष 1989 की अति लोकप्रिय फिल्म चांदनी में स्विट्जरलैंड को केंद्रीय मंच पर रखा गया था, क्योंकि फिल्म में लगभग आधे गीत और नृत्य के दृश्यों में स्विट्जरलैंड की पृष्ठभूमि थी। अगला दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो वह है अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या निषेध दिवस है ये 10 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि जो विश्व आत्महत्या निषेध दिवस है ये दुनिया भर में आत्महत्या निवारण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 10 सितंबर को मनाया जाता है। WSPD अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या निषेध संघ IASP द्वारा आयोजित किया जाता है। WHO इस दिवस का सह प्रायोजक है। वर्ष 2018 का दोस्तों जो विषय है तो वह है आत्महत्या को रोकने के लिए साथ मिलकर काम करना, वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बता दूँ कि गत वर्षों में शैक्षणिक एवं संस्मरण कार्यक्रमों, प्रेस विज्ञप्तियों और सम्मेलनों के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर कवरेज सहित IASP को लगभग 70 देशों में 300 से अधिक गतिविधियों की सूचना मिली थी। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है तो वह है हाल ही में किसे एक्सिस बैंक के MD व CEO के पद पर नियुक्त किया गया। तो दोस्तों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बता दूँ कि अभी हाल ही में एक्सिस बैंक के MD और CEO के पद पर अमिताभ चौधरी को नियुक्त किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर B आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। तो दोस्तों ये अमिताभ चौधरी हैं जो कि 54 वर्षीय हैं, इनको 3 वर्ष की अवधि यानी कि 1 जनवरी 2019 के लिए एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के पद पर नियुक्त किया गया है। श्री चौधरी जनवरी 2010 से HDFC लाइफ से जुड़े हुए हैं। वह 31 दिसंबर 2018 को शिखा शर्मा के सेवानिवृत्त होने के बाद भारत के तीसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक में पदभार संभालेंगे। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है, फरवरी में होने वाला एरो इंडिया 2019 की मेजबानी कौन करेगा। तो दोस्तों यहां पर बता दूं कि जो फरवरी में एरो इंडिया 2019 होने वाला है तो इसकी मेज़बानी जो है तो ये बेंगलुरु करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही आंसर हो जाता है। दोस्तों यहां पर बता दूं कि जो रक्षा मंत्रालय MOD के अनुसार एरो इंडिया का 2019 का जो संस्करण है ये कर्नाटक के बेंगलुरु में अगले वर्ष 20 से 24 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में पब्लिक एयर शो के साथ एरो स्पेस और रक्षा उद्योगों के लिए एक प्रमुख व्यापार प्रदर्शनी शामिल होगी। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है हाल ही में UEFA का पुरुषों का प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है। तो दोस्तों यहां पर बता दूं कि भी हाल ही में UEFA का पुरुषों का प्लेयर ऑफ द ईयर जो अवार्ड है तो वो जीता है लुका मॉड्रिच ने, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहां पर 2 सही आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर बता दूं कि अभी हाल ही में रियल मैड्रिड के लुका मैड्रिड 32 वर्षीय को 2017-2018 UEFA का पुरुषों का प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया। मैड्रिड ने मैड्रिड टीम के पूर्व सीधे खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लिवरपूल के फॉरवर्ड खिलाड़ी मोहम्मद सलाह को पीछे छोड़ा है। मैड्रिड की मैड्रिड टीम के साथी केलर नेवास और सर्जियो रामोस ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर और डिफेंडर के पुरस्कार यहां पर प्राप्त किए हैं। दोस्तों यहां पर बता दूं कि UEFA का पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड फुटबॉल के लिए दिया जाने वाला एक फुटबॉल संघ पुरस्कार है जो यूरोप में किसी फुटबॉल क्लब के लिए खेल रहे खिलाड़ी को पिछले सत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु दिया जाता है।
नेक्स्ट और जो अंतिम क्वेश्चन है आज के इस डेली करंट अफेयर सेशन का, तो वह है हाल ही में अंकुर मित्तल ने विश्व चैंपियन की डबल ट्रैप प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि भी हाल ही में जो अंकुर मित्तल हैं इन्होंने विश्व चैंपियन की डबल ट्रैप प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दो सही आंसर हो जाता है। तो उससे आपको बता दूं कि अंकुर मित्तल जिनकी उम्र है 26 वर्ष, इन्होंने दक्षिण कोरिया की चांगवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ यानी कि ISSF विश्व चैंपियन में पुरुषों की डबल ट्रैप प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। विश्व कप में कई पदक जीतने वाले इस भारतीय विजेता ने चीन के यांग यांग और स्लोवाकिया के हबर्ट आंद्रजेज के साथ स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करने हेतु शूट ऑफ में 150 से 140 निशाने सही लगाए। अंकुर ने हम वतन खिलाड़ी मोहम्मद असाब और साटुल विहान के साथ इस प्रतियोगिता में टीम कांस्य पदक भी जीता। उनके कुल 409 और अंक चीन के 410 और स्वर्ण विजेता टीम इटली के 411 अंक से यहां पर पीछे रहे। भारत ने विश्व चैंपियन में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 2 ओलंपिक कोटे भी हासिल किए हैं। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट जीके पॉइंट्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियोज़ का बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।